नमस्कार, एटीएन सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं तनु वर्मा। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पिपरहिया गांव में राशन डीलर के ऊपर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा। राशन डीलर के चल रहे मनमानी को लेकर स्थानीय लोगों ने राशन डीलर के साथ मारपीट की, वहीं राशन को लेकर दो गुटों में झड़प भी हुई। क्या कुछ है पूरा मामला, आइए जानते हैं। कोरोना महामारी को लेकर जारी लॉकडाउन के दौरान भोजपुर जिले में आज राशन देने में कोताही बरतने से नाराज ग्रामीणों ने एक पीडीएस दुकान में रखा अनाज लूट लिया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पिपरहिया गांव के, जहां ग्रामीणों ने सरकार के द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त राशन डीलर से मांग की तो डीलर ने उठाव नहीं होने का हवाला देते हुए राशन देने से मना कर दिया। इस बात से गुस्साए ग्रामीणों ने डीलर के यहां पहले से रखी कई बोरे अनाज को लूट लिया और फरार हो गए। बात यहीं तक नहीं रुकी और गुस्साए ग्रामीणों ने डीलर की धुनाई भी कर दी। गुस्साए ग्रामीणों ने इस दौरान डीलर और उसके समर्थकों पर ईंट पत्थर भी चलाए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर मुफस्सिल थाने की पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। नाराज ग्रामीणों के मुताबिक डीलर कभी भी राशन ग्रामीणों को नहीं बांटता है और लगातार कालाबाजारी करता है, जबकि डीलर ने अपने ऊपर लगे आरोप को गलत बताते हुए कहा कि मुफ्त राशन का अभी उठाव नहीं हुआ है, जिस वजह से वे ग्रामीणों को राशन नहीं दे रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस पूरे घटना पर मुफस्सिल थाना में एक मामला दर्ज कर लिया और घटना की जांच में जुट गई है। फिलहाल इस घटना के बाद गांव में तनाव व्याप्त है। को लेकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि मुफ्त में अनाज देने की सरकार ने घोषणा की और इसके बावजूद अनाज नहीं दिया जा रहा है। इधर डीलर का आरोप है कि मार्च माह का मैंने अनाज दे दिया था, अप्रैल माह का बांट रहा था, लेकिन अभी तक मुफ्त वाला राशन नहीं आया है तो कहां से दूं। इधर ग्रामीणों का आरोप है कि अनाज काफी समय से नहीं मिल रहा था, इसी बात से वह नाराज थे। बताया जा रहा है कि रविवार को डीलर कामेश्वर अनाज बांटने के लिए जैसे ही निकला, ग्रामीणों का गुस्सा उबल पड़ा। डीलर कामेश्वर ने लोगों को बताया कि इस दौरान गुस्साई भीड़ ने कामेश्वर के पक्ष के एक युवक को पकड़कर उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और मामले की छानबीन कर रही है। कौन डीलर है? डीलर धक्का मार के क्यों भगा रहे हैं? अच्छा ये बताइए, तो हम पब्लिक नहीं है, हम गांव का नहीं है, निवासी नहीं है। या पूछे क्यों लूट लिए गए? वही बताइए। अगर दिया होता, सुन लीजिए, अगर हम मान लीजिए कि आपको हम खाने के देंगे तो क्यों लूट लेगा कोई? हमको पेट भरेगा तो हम क्यों लूटेंगे? सीधी क्या लूटा गया है? नहीं लूटा गया है, एक बोरा भी नहीं गया है, माल नहीं लूटा गया है, माल नहीं चला जाए। क्या हुआ यहाँ वितरण करते समय मिली राशन तो वो लोग कहे कि हमको मार्च का चाहिए। हम बोले कि मार्च का वितरण हो चुका है, अप्रैल का वितरण हो रहा है, उसी में लोग बोला कि फ्री वाला चाहिए। हम बोला कि फ्री का उठाव नहीं हुआ है, इसी में लोग बोला, कुछ कागज फाड़ दिया लोग, कुछ माल लेने के लिए चला गया घर में। मेरी दौलत धन की दाह दर्द से बहुत बोरा गिरा है राशन सर, कहने नहीं दिया जा रहा है। नहीं बोलने जी, ये उसके बाद हम लोग बोलेंगे अपना। कितना अनाज आया था कि लोग? अनाज तो आया था, जितना आ रहा है हमेशा आ रहा था, तीन दिन से वितरण हो रहा है। एक आदमी के कहने दिया जाता ना सर। इसी बीच में जो बहुत सा अभी कंधारी बाकी है, भीड़ का समय है, कोई 10-5 आ रहा है, जो आ रहा है वो लेकर के जा रहा है। किस जो बाकी है वो अपना गेम बना कर बोला कि मार्च का चाहिए। हम बोले कि मार्च का वितरण हो चुका है, अप्रैल बांट रहा हूँ, फ्री का माल उठाव नहीं हुआ। इसी बीच ये लोग क्रोध में आकर के घर में मार्च का वितरण हो गया है, मार्च का वितरण हो गया है, मार्च का वितरण हो गया है। मेरा मशीन है, सरकार मशीन से निकाल रही है, हम रजिस्टर यदि बांटा जाता तो झूठ साच गलत सही उसमें क्या हुआ हम बता दिए। फिर क्या हुआ वहाँ गया लोग? तो गया तो मैंने इसमें बुरा घर में हेल हल के थी, हमारा धन दौलत के लेकर के बेटी बहू जो है बोलने दो, बेटी बहू जो दाह दर्द से घर में रोक रही थी उसको ढकेल ढकाल के दो चार लपड़ लगा लगा कर बोरा उठा दिया।
देखे बिटियो फोटोग्राफी क्या हुआ है राशन को लेकर पूरा यहाँ पर दो गुटों में पूरा झड़प हो गया है, क्या मामला है? यहाँ की स्थिति है कि भूखे लोग मर रहा है, लॉकडाउन का बिल्कुल पालन कर रहा है, सरकार का जो आदेश है उसको हमारे गांव बिल्कुल पालन करता है। गरीबी के कारण आज तक डीलर की स्थिति यह है कि 12 महीना में 4 महीना 6 महीना देता है और उन लोगों को देता है जो उसके अपने हैं या दबंग है, उस टाइप के लोगों को दे देता है, गरीब लोगों को उसका वह और उसका बेटा तंग करके बिला देता। क्या हुआ है कि मारा पीटी? एक आदमी गया राशन लेने, उसी को मारने लगा और वो कह रहा है कि झूठ मूठ के कल सब उन लोगों को लगा रहा है कि हम राशन लेके भाग गया। डीलर के द्वारा आरोप है कि लोग राशन लूट लिए। लूटा नहीं है लोग, वो अभद्र गाली दे रहा था उसकी माँ को और बोल रहा था कि तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं रहता है, इतने बड़े परिवार की है, अटपट बोल रहा था, इसलिए ये सब झगड़ा। इस बात की जानकारी पूरे थाने को दे दिया? हाँ, मैंने अपने थाने को भी बोल दिया है। यहाँ ये डीलर बार बार मैंने SDO साहब को भी अथी किया था, आगाह किया था कि ये डीलर जो है दबंग है और इसको इसको पूरी जाँच किया जाए। मार्च महीने का राशन क्या किया ये अपने मुखिया से मिलकर, मुखिया जो है इसका मुखिया जो है ये और मुखिया MO तीनों मिल करके खाता है राशन और बेचवाता रहता है और अपने में बंदरबाट करता रहता है। तो अब क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं SDO साहब से, जिलाधिकारी महोदय से कि इस डीलर पर उचित कार्रवाई, जांच कर उचित कार्रवाई की जाए और जो यहाँ के भूखे नंगे दलित और जो शोषित व्यक्ति हैं उन लोगों को राशन जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए, नहीं तो ये लोग भूखे के कगार, भूख से मरने के कगार पर हैं। क्या नाम अपना? संतोष कुमार, जन अधिकार पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष, आरा, भोजपुर।